मैंने डॉली जे का ब्यूटीफुल गाउन पहना हुआ है और ओरेल की खूबसूरत इयर रिंग्स पहने। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मेल्ट ना हो जाऊँ शो से पहुँचने से पहले। सो होप यू एंजॉय द शो। हेलो, अरे बैठे छुप के बैठे आप मैंने टक्सीडो पहना है और इसके साथ पॉकेट स्क्वायर है और ये इसको मुझे टक्सीडो को यंग से लुक देने के लिए कि लगाया है इसके साथ। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अंदर मैं नॉमिनेटेड भी हूँ बेस्ट डेब्यू के अंदर। तो लेट्स सी आई होप आई गेट द अवार्ड। I am wearing Richa Singh. This is a very last moment thing. I was so tense as to what I'll wear, but I'm really glad she gave me such a good outfit, and yeah, I hope I'm looking nice. Actually, this is the first gold award which I am attending, so I'm really looking forward to it, and I'm really excited that he is nominated. So I want him to win an award, and yeah, let's see how it goes. Super. Obviously, I mean, being in one show, being so good friends, and getting such a big award, it's not a small thing. So yeah, I'm very happy for him and excited. Thank you. अभी है ना पूरे रास्ते को बात कर रहा है। क्या टाइप है कर रहे हैं एक ही बात। अभी कौन है टाइप बोल रहा है बात कर रहा है ना। सर एक बस में बात कर रहा है चैनल से तो बोला आई मुझे एक गोल्ड का एलिमेंट रखना ही था। सो देयर इट इज़ दिस इज़ माई गोल्ड एलिमेंट। सो या इट्स माई एक्चुअली अवार्ड सीजन में ये मेरा पहला नॉमिनेशन है। सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रिसेंटली मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्ड सेट गिफ्ट किया है एंड शी टोल्ड मी दिस इज ऑल फॉर योर हार्ड वर्क एंड सक्सेस दैट हैज़ फॉलोड बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। सो ये मेरा लुक आप सब देख सकते हैं। आई वर्क रियली हार्ड ऑन माई लुक एज यू। सो दिस इज अ गॉर्जियस गाउन बाय अ वेरी डियर फ्रेंड। शी इज डिजाइंड इट फॉर मी एंड आज मैं कहना चाहूंगी इज माई गाउन थिंग डन। वेट करेक्ट फॉर मी तो पहली बार है गोल्ड अवार्ड्स। आई एम सुपर एक्साइटेड। अगर आज मैं जीतती हूँ सो मेरे लिए ये पहला अवार्ड भी होगा एंड मे द बेस्ट पर्सन विन। सो गुड विशेस टू ऑल। बेस्ट डेब्यू फीमेल। खुशी है, खुशी से बोल भी नहीं सकूंगी। आई हैव टिश्यू पेपर एज वेल फॉर हर इफ इट ऑल्सो क्राइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय कैसे हो? देखिए एकदम
आज रेड कारपेट मैंने लगा दिया है, एकदम सॉलिड तैयारी की है। NV2 करके मेरे अंकल की शॉप है, मैंने उधर से ये पूरा ये सूट और सब बनवाया मैंने, और एकदम तैयार हूँ मैं अवार्ड्स के लिए। हमारी सीरियल को लेकर, यस हमारी सीरियल को लेकर, कि हमारी सीरियल को, हमारी सीरियल नॉमिनेटेड है, एंड बस हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी सीरियल का अवार्ड मिल ही जाए। बहुत मायने रखता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी भरतनाट्यम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भरतनाट्यम करते हैं, लेकिन उसके बाद जो आरंगेत्रम होता है, दैट इज़ द मेन पार्ट, द अवार्ड फंक्शन इज लाइक दैट, कि हम जो भी काम करते हैं बट अवार्ड फंक्शन आता है तब एक चीज़ we come out from the stage fear, so that is the thing. Gold memories, मैं जब मैंने वही बता कि मैं जब छोटा था तब यहाँ पर जब छोटे मतलब जो डांस करते थे लुंगी डांस और कितने सारे पता नहीं कितने डांस किए हम लोग ने, वो जो फन था, वो जो 10 दिन का जो रिहर्सल टाइम था, that was the golden period. Thank you. ये तो एक कैशुअल लुक है मेरा, एंड देन रावण का लुक आया तो इट वुड हैव बीन कम्प्लीटली आई थिंक सो गोल्ड फॉर गोल्ड कारपेट वुड हैव सूटेड, बट या आई डिडंट नो इट वुड हैव बीन अ गोल्ड कारपेट, अदरवाइज आई वुड हैव कम इन रावण्स रोल कैरेक्टर। वेल बहुत खुश हूँ क्योंकि दिस टाइम फर्स्ट टाइम नॉमिनेट हुआ हूँ एक मेल डेब्यू एक्टर के रूप में, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम वेरी लकी ऑल्सो बिकॉज मेरा फर्स्ट शो है सिया के राम, सो आई शुड बी वेरी थैंकफुल टू गोल्ड अवार्ड्स। नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है ये पॉजिटिव ही कैरेक्टर है रावण का, एंड फील्स गुड, रियली फील्स गुड। गोल्डन मेमोरी इज the first shot which I gave, and the scene what I read, it was totally different what I was told, and that was a golden moment because it was a very good scene with Rampa. Thanks a lot. Taiyar yahi hai gold, mera pura dress gold hai. पूरा गोल्ड है, या स्पेशली डन बाय माय डिजाइनर फ्रेंड, सो या नथिंग, मैं द बेस्ट पर्सन विन 9th गोल्ड अवार्ड्स है, हालांकि गोल्ड अवार्ड्स में मैं पहली बार आई हूँ, मैं आई नहीं हूँ कभी, तो काफ़ी इंतज़ार है मुझे अंदर जाने का, देखते हैं क्या है। बेस्ट, देखो मैं गोल्ड अवार्ड में पहली बार आई, दिस इज अ वंडरफुल मेमोरी विच विल बी, मैं जाऊंगी तो लेके जाऊंगी। थैंक्स। पहले तो सबसे
कुछ खास नहीं थी, बट आई थिंक दिस टाइम आई हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट. जिस तरह से सब मुझे बहुत ही बबली ड्रेस में देखते हैं, सो दिस टाइम आई एम इन सम इंडो वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ स्टफ. सो ये मेरे लिए भी एक डिफरेंस है, एक चेंज है. सो आई एम लाइकिंग व्हाट आई एम वेयरिंग. एक्चुअली ब्लैक और रेड गोल्डन दो तीन कॉम्बिनेशन में ये पूरा ड्रेस है, एंड एक्सेसरीज में आई एम जस्ट वेयरिंग इयर रिंग एंड अ रिंग. हमारे शो में एक्चुअली देयर आर टोटल ऑफ फोर नॉमिनेशंस. वरुण इज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर. वरुण और मैं वी आर नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट जोड़ी. Sujata is nominated for comic actor, like comedy actor, and show hai jo best show mein nominated hai. So let's see. Yes. Hello. Sorry, I can't hear you. Too much chaos. अगर मुझे ओके सो हियर आई एम इन अ रेड कार्पेट लुक डिजाइन बाय अर्चना कोचर. शी इज बीन अ स्टार्टिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस सिंस अ डेकेड. सो शी इज द बेस्ट. सो आई एम फीलिंग वेरी प्रिटी लाइक अ फेरी टेल गर्ल इन दिस गाउन. बहुत मजा आ रहा है. मेरा हर चैनल के साथ रिश्ता जुड़ नहीं जा रहा. वो कौन सा चैनल है मुझे अभी तक पता नहीं. आई थिंक हम सेलिब्रिटीज़ को भी जो अलग एक्टर्स हैं जो दूसरे शोज करते हैं वी डोंट गेट टू रियली सी देम इन पर्सन. एंड अवार्ड्स लाइक दिस, फंक्शंस लाइक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट मीट ऑल ऑफ देम. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल हुम आई रियली सी ऑन स्क्रीन. थैंक यू. तैयारियां तो ये खैर गोल्ड अवार्ड्स ने ही कर दी हैं और एक्टर्स को एकदम ऑस्कर वाली फील आ रही है, तो बड़ी ही अच्छी बात है. तो गोल्ड कार्पेट, ग्रीन कार्पेट, ब्लू कार्पेट, रेड कार्पेट जो भी हो, ये हम सबको बहुत एक्साइट करता है. और गोल्ड अवार्ड्स एक ऐसी सेरेमनी है जिसका हम सब हर साल वेट करते हैं. सबसे ज़्यादा एक्साइटेड में हमारे शो को नॉमिनेट किया गया है, मुझे नॉमिनेट किया गया है, रिधिमा को नॉमिनेट किया है, मुझे बेस्ट एक्टर में किया गया है, रिधिमा को बेस्ट डेब्यू के लिए किया गया है, बहू हमारी रजनीकांत को बेस्ट कॉमेडी शो के लिए नॉमिनेट किया है. तो ऑब्वियसली इन सब के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और आई होप हमें सारे अवार्ड्स मिल जाएं. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. गोल्डन कार्पेट में वॉक करके मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई एम वेयरिंग अ कॉस्ट्यूम दैट विल कॉन्ट्रास्ट विद द गोल्डन कार्पेट, दैट इज ब्राउन एंड वाइट. एंड आई वॉन्ट टू विश कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू एवरीबडी इन्वॉल्व एंड रिलेटेड टू गोल्ड्स. कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट. मेनी मोर इयर्स टू गोल्ड अवार्ड्स. So I'm wearing a different kind of fabric. This is Archana Kochar, and with this fabric she has given employment to a lot of women in the village, because we both of us together do a lot of things in relation to charity. So this is one step towards it. Yes, I have won a lot of gold awards for the best actress, and I hope that I keep winning Best Actress Awards. Right now I'm not doing a show, but tomorrow when I sign a show, I'm sure Gold Awards is again going to give me the Best Actress Award. Thank you. What? स्वरा करना चाहती है.
आपकी हालत देखो, लगता है ना समरी ही रहना चाहिए बस। तो मतलब अभी हिम्मत नहीं होती है कि इट्स ऑल केक्ड अप, वंस पैक अप इट्स लाइक यू वांट टू गेट ऑफ। हाँ जी, नाइंथ, नाइन्थ ईयर। हाँ, गोल्ड अवार्ड का नाइन्थ ईयर है, मेरा नाइन्थ ईयर थोड़ी ना है। नहीं नहीं, अवार्ड्स, डेफिनेटली अवार्ड्स, एंड आई होप राइटली डिजर्विंग एक्टर्स को मिले, राइटली डिजर्विंग एक्टर्स को। थैंक यू। स्नैपचैट तो कर लो पूरी टीम के साथ। ओ गॉड, तो यहाँ भी तो होस्ट कर रहा है। At the Gold Awards and you can see the entire battalion of everybody, say hi. All right, man, I love all these guys. They work so hard. Go. गोल्ड अवार्ड को नहीं, इसलिए मैंने ना एक्चुअली व्हाइट पहना, क्योंकि गोल्ड फिर ऐसा बाउंस कर देना फेस पर, और स्टार तो हैं ही तो सुपरस्टार हो जाते हैं इस गोल्ड अवार्ड की वजह से। फिलहाल तो एक फिल्म कर रहे हैं, हमें तुमसे प्यार कितना हिंदी फिल्म है, जैसे ही शूटिंग खत्म हो जाएगी आपका सवाल मैं आंसर कर लेता हूँ। टीवी में आएंगे, यस आप ज़रूर देखेंगे टीवी में, किस रूप में देखेंगे वो आप वेट कीजिए। मैन विकास कलंत्री इज़ अ डार्लिंग ऑफ माइंड, इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, इज़ माई ब्रदर, और चाहे परफॉर्म करूँ ना करूँ, अवार्ड मिले ना मिले, आई बी देयर फॉर इज अवार्ड। Styling, this is a vintage lace thing from France. It actually belonged to my mother-in-law, so it's actually a very vintage is very in, as you know nowadays. So this is plus the style is very much in, and this the jhumkas are by this friend of mine, Varsha. Yes, yes. हमारे सीरियल तशनेश के काफी लोग नॉमिनेटेड हैं. We've got best jodi of Kunj and Twinkle. We have best supporting actress Vaishnavi, and we have best villain in Zain Imam UV. तो मैं सबको बहुत support और cheer करने आई हूँ. So I hope we get lots of awards. Thank you very much. Wonderful thing that it's the ninth year. Vikas Kalantri is a dear friend, and Gold Awards is I'm part of the jury this year, so I'm very happy to be part of the Gold Awards.
बहुत सारी प्रेपरेशंस की मैंने, सारे परफॉर्मेंसेस देखे जितने भी मुझे डीवीडी में मिले थे, एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस फैंटास्टिक. इट वाज अ डिफिकल्ट प्रोसेस. टेलीविजन पे एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, तो आप किसी को अगर नॉमिनेटेड को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो यू फील बैड बिकॉज यू नो कितनी मेहनत रही है. फीमेल इन अ नेगेटिव रोल टेलीविजन में एज अ जूरी आई कैन नॉट से एनीथिंग. सबसे बड़ा सवाल अभी बॉलीवुड में जो सेंसरशिप कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है सेंसरशिप की नहीं, बिकॉज 2016 में आप किसी को बता नहीं सकते कि आप क्या कीजिए या क्या मत कीजिए. That is just not on. I'm totally against censorship. Completely. आप बताइए मेरी लुक के बारे में. Thank you. This is an outfit by Dolce & Gabbana. Just thanks. थैंक यू. सॉरी एक से मेरा गला ख़राब है. ओके, सो आपने मुझे हमेशा इंडियन आउटफिट में देखा है, तो आई थॉट कि थोड़ा वेस्टर्नाइज कर लेते हैं, और लेकिन फिर भी मैंने उसमें थोड़ा इंडियन टच रखा है. दैट इज़ दिस घुंगरूज. आई रियली लाइक घुंगरूज, सो आई थॉट वाई नॉट. एंड आई एम स्टाइल्ड बाई नेहा चोपड़ा. शी इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल डिज़ाइनर एंड शी इज़ माई फ्रेंड. सो या Oh, it's nice. It's good to work alone with no co-actors alone. No. It's really nice. It's really good. Finally, I've reached on time. Otherwise, every time I reach by time, the carpet is over, the red carpet. Oh, sorry, the gold carpet is over. So, yeah, finally, I've reached on time today. Sorry? Gold memory. ऐसे स्पॉन्टेनियस सवाल पूछते ना आप लोग. अच्छा, गोल्ड मेमोरी. अच्छा, ये था कि जब मैं शूट कर रही थी. अच्छा, गोल्ड मेमोरी मेरी है कि जब मैं दिल्ली में शूट कर रही थी तब मुझे वहाँ की वैल्यू नहीं थी चली अंजलि के लिए, तो तब वहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू नहीं थी. तो अब मुझे दिल्ली की बहुत याद आ रही है, एंड फाइनली सारे शोज दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं. सो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और आप लोग की भी वो मेमोरी गोल्ड मेमोरी बन जाएगी. बस दो चार दिन में जी टीवी पे, पर एक अलग अवतार में, बहुत अलग अवतार में. थैंक यू सो मच. स्टॉप इट यार. तुम लोग सेट पे आओ, बताती हूँ तुम सब लोग को. थैंक यू. बोलिए जी. अब गॉर्जियस आप कह रहे हैं. हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा नया, थोड़ा सा अलग है, सिंस लिटिल सेमी टाई अप सॉट्स है. तो अच्छा लगा, कम टाइम लगा रेडी होने में, सिंस इट्स मोर सिंपल एंड द ड्रेस इज ऑल्सो सिंपल एंड एलिगेंट. सो इस बार थोड़ा सा सिंपल रखा है. नाइन्थ ईयर है, और मेरा भी आठवां गोल्ड अवार्ड. आई थिंक एक गोल्ड अवार्ड शायद मेरे से पहले हुआ है, सो दिस इज माई एट्थ गोल्ड अवार्ड. एंड आई एम सो थैंकफुल टू विकास कि एवरी टाइम ही मेक श्योर कि सब आए पर्सनली, सबको कॉल करके. सो सारा जो क्रेडिट है वो विकास को ही जाता है. यस, हम काफ़ी कैटेगरीज में नॉमिनेटेड हैं. मैं नॉमिनेटेड हूँ, करण नॉमिनेटेड है, नक्श नॉमिनेटेड है, हमारा शो नॉमिनेटेड है,
आई विश कम से कम 4-5 अवार्ड तो हम इस बार जीत के आए. गोल्ड के साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं. मेरे पास ऑलरेडी 3 गोल्ड अवार्ड्स हैं और 2 बाल्टीज भी हैं जो मुझे रोने के लिए मिली हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी माय 4th ट्रॉफी इफ आई गेट वन. मेमोरीज बहुत स्वीट हैं एंड इट्स जस्ट दैट गोल्ड ने मुझे हमेशा स्पेशल फील करा. इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मैंने लास्ट टाइम एक प्रिंसेस का एक्ट किया था. गाइस मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. सिंस देन विकास एंड हिज एंटायर टीम कॉल्स मी ओनली प्रिंसेस. कोई मुझे हिना नहीं बुलाता, सब मुझे प्रिंसेस बुलाते हैं. सो दैट्स रियली स्वीट, दे मेक मी फील स्पेशल. तो आना बनता है. यहाँ क्या था? अच्छा पूछो तो. हाँ मुझे लगता है कि मुझे कोई हेल्पर लगेगा, लेकिन आज गोल्ड अवार्ड्स है, स्पेशल थिंग, स्पेशल सेरेमनी है. सो मैंने सोचा कि थोड़ा स्पेशल ड्रेसअप करके आऊँ, समथिंग डिफरेंट जो मैं यूजली ड्रेसअप नहीं करती हूँ. इट्स तो मैंने सोचा कि मैंने गाउन पहन लिया और हियर आई एम. ज्वेलरी मैंने थोड़ी मिनिमम ही रखी है, छोटे नहीं है, बट स्टड्स हैं, ब्लैक स्टड्स हैं एंड आई हैव कैरीड अ गोल्डन क्लच. हाँ मैं मोस्ट फिट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड हूँ, सो आई जस्ट होप द वड़ा पाव वर्क्स. ओके जल्दी करो, मेरा शो का पार्टी है आज. जबरदस्ती आ पहले उनको दे गए. आप पूछो, नहीं सबसे पूछो. मुझे पता था यही पूछोगी. यार जब भी कहीं भी जाते हैं ना, सबसे पहला सवाल होता है स्वानी के लिए. मैं घर पे गई, मैंने कबर्ड खोला, मुझे जो दिखा मैंने पहना और मैं चली. सच्ची सच्ची एकदम सच्ची. और आज एक बात और है, आज हमारे शो की पार्टी भी है, क्योंकि हमारे शो को आज 2 साल स्वानी जी लड़की को 2 साल कंप्लीट हुए आज. आज 9th of June पार्टी है अंधेरी, चलेंगे आप वहाँ भी. वेरी नाइस. ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है बताने के लिए कि हमारे शो से जो नॉमिनेशन आए हैं वो बहुत सारे सोचे थे लेकिन आया ही नहीं. लेकिन हम तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी नॉमिनेशन की जरूरत नहीं. देखिए हर जीतने वाले को चेयर कर रहे हैं, हर जो कंटेस्टेंट है या जो भी आए हैं, हम तो सबको चेयर करेंगे, हम सबके साथ हैं. शो की हम चारों एक साथ हैं. वही बस ये पहली बार ये थी कि हम शो में जी के उसमें आए. अच्छा अच्छा, तो ये मेमोरी हमारी यही है कि हम एक साथ आए, चेयर करने आए और ये जानते हुए आए कि हमारे शो से कोई नॉमिनेशन नहीं है. ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है. Thank you. Bought my look well. It's done by Nikita Tandon, who's from Delhi. She's done a very good justice to my figure. She said, I want something sheer or mujhe aisa kuch mint color, jo ki bahut hi summery color hai, you know, all the pastel shades. So you can see it's a very sheer, nice thing, like a mermaid little dress, which is quite brilliant, I would say. And this belt is like an embellishment, and this emerald and this stone to go with it. Yeah. Of course, you can see this emerald thing and this ring. So my stylist said,
where you have to go with it. Minimal is good. So yeah. Well, nominations तो actually इतने सारे categories में है, but for us, since we were busy shooting, so I got nominated for the best fit actor. So देखते हैं अगर दर्शकों को you know स्वाधीनता अच्छी लगती है, मतलब श्रद्धा स्वाधीनता, so let's see that. Best fit category. So if yeah, sorry. Okay. Fitness के लिए yoga, like de-stress, that's the best thing to do. Eat healthy. Yeah. Well, I think today I'm dressed. See, मैं gowns तो हमेशा पहनती हूँ, लेकिन today with my hair, my makeup, it's very Victorian I feel. Like because the way the hair has also been done, the curls and the puff, so it's a very Victorian look. I'm very excited because Touchwood as of now, Bahu हमारी रजनीकांत is doing fabulous Touchwood, और हमारे भी 5 nominations हैं. So we all are a team, we all are one, so we all are here together. So I'm super excited and hope we pick up some awards. Thank you. Hello. हम 4 दिन से रेडी कर रहे हैं हमारा ये वॉक, और हमने ये खुद स्टिच किया, मैंने इसका ड्रेस बैठ के, और बहुत मेहनत की हमने यहाँ पे आने के लिए, और वी वॉक्ड ऑल द वे फ्रॉम आवर सेट, सो वी हैव डन यस. और इनके लिए मैंने ये रेंट पे लिया है, मेरे भाई का है, बड़े भाई का, मैंने चुरा के लाया. So yeah, it's fun, it looks really good, and I've come to Gold Awards for the first time. I think bahut acha hoga. This is my second time. Acha show hai yaar, dekh lo. Haan, nominated hai show, aur hame puri hopes hai ki you know hamara show award leke jayega. It's a nice show. The show is picking up now, and everyone's loving it. And mashallah, 7.5 saal se chal raha hai with the new entries in it. So I hope the show ke baad hum log ko bhi thoda ho nominations. Obviously, लीप के बाद शिवांगी जोशी आई है, तो लीप के बाद ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, और मोहसिन खान तो कौन? मोहसिन खान? मोहसिन खान कौन? हाय, यू आर? आई कैरीड योर बैग यार, शट अप. थैंक यू यार. लीप के बाद एक्चुअली व्हाट आई फील इज की शो और मतलब और हैपनिंग हो गया है. It's really fun. There's this new breath of relief, and बहुत सारा drama, बहुत serious हो गया था, तो I think एक comedy factor आ गया है, एक romantic factor आ गया है. Romantic scenes हो रहे हैं हमारे, तो अभी शुरू होंगे, तो let's see how it goes. मैंने वो मेरी तारीफ कर ली. वैसे तारीफ होने लाइक ऐसा कुछ खास है नहीं. छोड़ो, फिर क्या करना है. अच्छा, कर ही देती हूँ यार, फॉर्मेलिटीज है. मैंने मोहसिन को ऐसे लुक में आज पहली बार देखा है कि बाल में ऐसे जेल वेल लगा के पीछे प्रॉपर सेट करके मैंने पहली बार देखा है, और तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अलग लग रहे हो, पता है. फॉर अ चेंज मोहसिन इज लुकिंग गुड. So it's a nice dress. I think she's looking lovely. She has a good figure, and कर दो यार तारीफ कर. Yeah, she's looking good. I love her eyes. I think she has a very very pretty eyes. जो उसे लगता है कि इतनी बड़ी नहीं है, पर ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी आँखें नहीं होनी चाहिए. But I think she's looking lovely. Thank you so much. तैयारियाँ सामने हैं. काफ़ी एक्साइटेड था यहाँ पर, क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और परफॉर्मेंस बहुत ही अलग है, उसमें एक मैसेज है. तो और मनीष राय सिंघानिया जो ससुराल सिमर का में जो एक्टर है, उनके साथ मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया, तो अच्छा लगा हमें परफॉर्म करके. और आज वाइट मैंने पहना है, क्योंकि वाइट और गोल्ड ज़्यादा सूट होता है एक साथ, इसीलिए मैंने आज वाइट पहना, वाइट ही सूट. मेरी परफॉर्मेंस है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट. तो हम लोग इसमें जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, और इसमें मनीष जी जो जीत जाते हैं, फिर वो हार जाते हैं. तो आप लोग देखना, बहुत मज़ा आएगा, और बोर मत होना, बस देखते देखते हो क्या, बोर ना हो. और परफॉर्मेंस अच्छी है, सभी लोगों की अच्छी है, संगीता शेट्टी और सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे फ्रेंड्स भी है. तो
बहुत अच्छा होने वाला है इस बार का 2016 गोल्ड अवार्ड्स. ओके थैंक यू. हेलो Well, I always believe wearing something different in every award function, and I think it's a good thing because you know, wearing a suit, wearing a tuxedo, it becomes very common, and I believe it's very important to break the monotony. So it was my idea, designed by my good friend Sharad Raghav, and he's done a brilliant job, I must say. Well, I've always been a fan of Air Force, and I myself wanted to be an Air Force pilot at one point of time. So I thought, why not wear something which is similar to that? And I find the army officers, military officers, very classy. So why not wear something which is classy? Sorry. Well, I would want to wish Gold Awards and Vikas a very, very happy 9th Gold Award. Congratulations, brother. And Gold Awards are very, very important for me and very close to my heart, because this was the place where I won my Best Actor Debut Award. This was about 5 years back. So yes, these awards are very special for me. Thank you. मतलब घूम फिर के तुम्हें मेरा पर्ल नेक पीस. ओके थैंक यू सो मच. क्या बताऊँ उसके बारे में. लुक अंकी ने पिक किया मेरे लिए. सो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा ड्रेस चूज किया है एंड नेक पीस मेरा है जो बहुत टाइम से मेरे पास है. सो आई जस्ट थॉट इट गोज विद इट. नहीं उसको अभी फिलहाल लग रही है, पर आई एम होपिंग अंदर ना हो. सो ब्लैक इज एनीवे द कलर ऑफ सच इवेंट्स एंड फंक्शंस, स्पेशली इन आवर इंडस्ट्री. सो ब्लैक कैन नेवर गो रॉन्ग. ये इस बार मेरे मदर इन लॉ का डिज़ाइन नहीं है, बिकॉज आई वॉज शूटिंग 9 to 9 एवरी डे. सो मौका नहीं मिल पाया टू सिट टुगेदर एंड गेट समथिंग डन. सो दिस इज जस्ट एन एंसेंबल ऑफ व्हाटएवर आई ऑलरेडी हैड इन माय कलर. करण अभी पहुंचे, ही इज जस्ट गेटिंग रेडी, सो ही विल टेक अनदर 10-20 मिनट्स. वेल लास्ट ईयर मेरा पहला गोल्ड अवार्ड्स था एज करण्स वाइफ, एंड आई वाज मोर देन हैप्पी. दिस वाज सून आफ्टर आवर वेडिंग, सो आई वाज मोर देन हैप्पी कि करण गॉट एन अवार्ड. And if this year again Karan gets the Best Actor Award, so it'll be 3rd consecutive award, and I have a feeling it'll be one of a sort of a record in the industry. So I have my fingers crossed, and I'm hoping this 3rd Gold Award will also come back home. It's so pretty cool, and so I'm Bhavit Singh. Pretty cool, thank you. I've been nominated for the Best Actor in the Negative role, and that's the reason I've got this hairstyle. So I'm thoda sha negative bhi lag raha hoonga dekhne ke baad aapko. So yeah. अब मैं टर्न आउट हो गया हूँ पॉजिटिव, बट या एक साल तो हमने पूरा नेगेटिव कर ही लिया, बट या नाउ दैट आई हैव बिकम पॉजिटिव आई जस्ट होप दैट द ट्रैक वेल्थ यू नो गोज वेल. सॉरी गोल्ड मेमोरी मतलब अपने शो की. Yeah, it's always been the tension between me, Twinkle, and Kunj. I always miss the tension that I had. Hamare jo bhi ladaiyan wali scene hote the Kunj ke saath. Now that Kunj is not there, so I'm kind of missing that. And I just hope that Rajesh will be there. And Kunj, if you're listening, come back to me.